उत्तर प्रदेश के भदोही में 8 मई 2021 को रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक जॉन हेनरी यूनाइट के जन्मदिन के अवसर पर ज्ञानपुर नगर के पुरानी तहसील स्थित कार्यालय पर उपस्थित रेड क्रॉस के सम्मानित सदस्यों द्वारा उनके चित्र पर माल्यार्पण करके इंडियन रेड क्रॉस स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर केपी मिश्रा ने उक्त अवसर पर जॉन हेनरी यूनाइट के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी यूनाइट के जन्मदिन पर उनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है। हेनरी यूनाइट का जन्म 8 मई 1828 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ था। कहा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य मानवीय जिंदगी को बचाना और सेहतमंद रखना है। रेड क्रॉस सोसाइटी के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उपस्थित सम्मानीय सदस्यों में श्री राजेंद्र प्रसाद जायसवाल ने कहा कि वर्ष 1859 ईस्वी में जब सोलफेरिनो इटली में भयंकर युद्ध हुआ था, इस युद्ध में 40,000 से अधिक सैनिकों की मौत हो गई थी। घायल सैनिकों की दशा देखकर हेनरी ड्यूनेट कल्पित हो उठे। उसी समय हेनरी ने गांव के लोगों के साथ मिलकर घायल सैनिकों की मदद कर उनकी जान बचाई थी। उन्हीं दिनों हेनरी ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम ए मेमोरी ऑफ सोलफेरिनो था। इस किताब में हेनरी ने घायल सैनिकों की रक्षा करने के लिए सहायता समितियां बनाने का जिक्र किया था, जिसे 1876 में मनाया गया। सचिन मोहम्मद इरशाद खान ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस का मुख्य उद्देश्य सहाय और घायल सैनिकों को नागरिकों की रक्षा करना है। रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मना रहे हैं। सर्वप्रथम यहाँ पे उपस्थित सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हैं। इस कोरोना समय में भी कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज ही के दिन हमारे हेनरी ड्यूनाट जो कि रेड क्रॉस के संस्थापक हैं, इनका जन्मदिन ही है। इस सोसाइटी का इन्होंने प्रारंभ भी ऐसी ही परिस्थितियों में किया होगा जब युद्ध हो रहा था, सरफरेनो युद्ध हो रहा था। उसी समय इन्होंने उनके दिमाग में आया था कि इस तरह की सोसाइटी का स्थापना किया जाए। उस समय युद्ध के समय जो परिस्थितियाँ थी, हमारे सैनिक मारे जा रहे थे, हमारे अगर जो आसपास पड़ोस पड़ोस में दुर्भिक्षा जो भी परेशानी पैदा हुई थी, उनका इलाज, खाना पीना, रहना, उनके संदेश करना, उनके एक तरह से के बॉडी का डिस्पोजल या उनका इलाज कहाँ से उनको कहाँ पहुँचाया जाए, कोई नहीं देखने वाला था। इसलिए उस समय इन्होंने ये दिमाग लाया हेनरी ड्यूनाट साहब को कि ऐसी संस्था का स्थापना, ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी वर्ग क्षेत्रवाद के, हर तरह से बिल्कुल निष्पक्ष होकर जिस जनमानव की सेवा के लिए अपना योगदान दे। अब आज इस कोरोना काल में वास्तव में रेड क्रॉस सोसाइटी की उपयोगिता बहुत ही इसमें आवश्यक है। ऐसी संस्थाएं और भी आएँ रेड क्रॉस सोसाइटी का नकल करके और आएँ, जिससे समाज के जो हमारे समाज जो भारत खासकर जो हिंदुस्तान में इस समय भयंकर स्थिति पैदा हुई है, अपना योगदान दें, तभी हमारा समाज सुरक्षित रह पाएगा। खासतौर से जो ऐसे हमारे समाज के जो पिछड़े दलित या बिल्कुल अर्थहीन गरीब जो हमारी जनता है, उसको ऐसे समय में रेड क्रॉस जैसी संस्था की बहुत ही देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।